गोंडा में एक दिवसीय दौरे पर गृह जनपद पहुंचे सैनिक कल्याण और होमगार्ड के बनाए गए नव निर्वाचित राज्य मंत्री पलटू राम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार माल्यार्पण का स्वागत किया। राज्य मंत्री बनाए गए पलटू राम मूल रूप से गोंडा के निवासी हैं और देवीपाटन मंडल के बलरामपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक भी हैं। पलटू राम ने इस दौरान कहा कि जब से सरकार बनी है भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प था, सरकार ने उसको कम करने का काम किया है। 4.5 साल में किसी भी मंत्री या विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। हमारी सरकार ने माफियाओं को खत्म करके भयमुक्त प्रदेश बनाने का काम किया है। धन्यवाद। पहले तो हम अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मंत्रिमंडल में स्थान देकर के बहुत सम्मान करने का काम किया है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्राथमिकता का कार्य है, तो आपने देखा है कि 2017 में जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है, तब से आप ये कह सकते हैं कि आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है जो अपने पूजा अर्चना के बाद जितना समय निकलता है वो सारा समय उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, आम जनता के भलाई के लिए और प्रदेश के विकास के लिए लगाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो संकल्प पहले था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी मजहब का हो, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर पहुंचाना ये हमारी प्राथमिकता होगी। चुनाव से पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, 6 महीने का समय है, ऐसे में क्या प्राथमिकता होंगी जो आप करेंगे जो सरकार में? प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश सरकार की पहले तय है। जब हम सरकार में आए थे तभी हमने नारा दिया था कि दंगा मुक्त प्रदेश, भय मुक्त समाज और भ्रष्टा मुक्त प्रदेश और विकास प्रक्त उत्तर प्रदेश, ये हमारा नारा था। उसी संकल्प के साथ 4.5 साल हमने काम किया है और जो शेष समय बचा है वो प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। जैसे सपा सरकार के सुप्रीमो अखिलेश यादव हो कह रहे हैं 22 में बाइसिकल आ रही है और भाजपा डूबती हुई नहीं है, क्या कहेंगे इस तरीके से? अब ये तो वो अपने ही नारे को दोहरा रहे हैं, चूंकि 2017 में उनकी 44 आई थी और 22 वो स्वयं कह रहे हैं, तो उसमें हम क्या कहें, चूंकि उससे आधी उनकी आनी है। ये थे पलटू राम जी, इन्होंने कहा साफ तौर से कि इनका जो काम होगा ये इनकी प्राथमिकता होगी कि जिससे सरकार प्रदेश का विकास हो और देश का विकास हो, ये इनकी प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। गोंडा से राम कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़। बहुत धन्यवाद।